फ्रंट सेंटर पैनल को अरेंज करके F1 पर F1 साइड पैनल, F2 पर F2 साइड पैनल सेंटर पैनल को अटैच करना है। इस तरफ अटैच करते हैं तो सेंटर पैनल को दो साइड पैनल्स अटैच हो जाता है। सिलाई करते वक्त 1/2 इंच पे आप बराबर सिलाई करना है। सेंटर बैक पैनल को B2 पर B2 को अटैच करना है, B1 पर B1 को अटैच करना है। इस तरह अरेंज करते हैं तो बैग भी आपको कंप्लीट हो जाता है। सिलाई करते वक्त 1/2 इंच सीम अलाउंस पे बराबर आपको सिलाई करना ज़रूरी है। बचा हुआ कपड़े में वेस्ट बैंड के लिए यूज़ करना है। 1 इंच वेस्ट बैंड है तो 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड करके 1.5 पे मार्क करके एक सीधा लाइन लेके कट करना है। इसको ओपन किया तो टोटल 3 इंचेस का विड्थ आता है। इसको पूरा एक ही तरफ फोल्ड कर लीजिए। इस प्रकार अरेंज करते हैं तो सिलाई करने में आसानी हो जाता है।
ये फोल्डिंग को सिलाई करते वक्त ऊपर का सिलाई आगे की तरफ जाता रहता है, इसलिए नीचे की तरफ का फैब्रिक को खींच के पकड़ के आपको सिलाई करना पड़ता है। लहंगा की वेस्ट को वेस्ट बैंड से मेजर करना पड़ता है। वेस्ट बैंड को डबल फोल्ड करिए। साइड सीम से लेकर दूसरे साइड सीम तक दोनों को पकड़ के मेजर करना है। नाड़ा का जो एंडिंग है वो बराबर आपको मिल जाएगा। इसी ऊपर आप नॉच ले लीजिए। नॉच लेने के बाद और एक फोल्ड ले लीजिए। दूसरे फोल्ड पर भी नॉच करना है। इसको और एक आधा फोल्ड करके बराबर नॉच के जगह पे रख के और एक नॉच लेना है। इस तरह चारों ओर नॉचेस आएगा। लहंगा की वेस्ट को भी सेम ऐसा ही फोल्ड करके नॉचेस लेना है। वेस्ट बैंड की एंडिंग का जो नॉच है उधर बराबर फोल्ड करके उसको सिलाई करना है। दूसरे एंड पर भी नॉच की जगह पे फोल्ड करके उसको डबल फोल्ड लेके सिलाई करना है। लहंगा की साइड सीम्स को लेकर बैक की तरफ से शुरू करना है। बराबर बैक की साइड सीम से सिलाई शुरू करना है।
सिलाई करते वक्त वेस्ट बैंड का और लहंगा का वेस्ट का नॉचेस को मिला के सिलाई करना है। इस प्रकार नॉचेस को मिलाते हुए सिलाई किया तो जहां शुरू करे थे वहीं पर आपको एंडिंग आएगा। इस प्रकार वेस्ट बैंड आप सिंपल सा अटैच कर सकते हैं। वेस्ट बैंड में जो ओपन रहता है उसमें आप नाड़ा सिलाई करके अंदर रख सकते हैं। वेस्ट बैंड के अटैचमेंट पर ओवरलॉक करके मार्जिन को नीचे की तरफ रख के आपको आयरन कर लिया तो नीट फिनिशिंग दिखता है। नाड़े की स्टिचिंग के लिए वेस्ट बैंड जितना होता है उसके ऊपर 20 इंचेस ज़्यादा लेना है। इस डिज़ाइन का वेस्ट बैंड 40 इंचेस है, इसके ऊपर मैं 20 इंचेस ज़्यादा लिया हूँ। दो फैब्रिक का फोल्ड है ये, मिनिमम विड्थ 1.5 इंचेस यूज़ करना है। नाड़े को जॉइंट करने के लिए फैब्रिक को क्रॉस में कट करना पड़ता है। नाड़े का जो विड्थ है मिनिमम 1.5 इंचेस यूज करना है। दोनों को जॉइंट करते वक्त अपोजिट की तरफ टर्न करके दोनों को जॉइंट करना है। मिनिमम 1/2 इंच सीम अलाउंस पे सिलाई कर लीजिए। इसके बाद नाड़े को डबल फोल्ड करके दोनों तरफ फोल्ड करके पूरा नाड़ा सिलाई करना है। इस तरह आप लोग नाड़े की लहंगा विथ पैनल्स के साथ सिलाई कर सकते हैं।
सिलाई करने के बाद पूरा नीट आयरन कर लिया तो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है।